सार्दिन साहब थे तो हॉस्पिटल में 40 रुपया फीस था और आज 500 700 300 1000 तक ले फीस है। 1000 मैंने 1100 लोग फीस लेते हैं और सार्दिन साहब का कमी तो आज बलरामपुर गाँव कांड कहीं होके सार्दिन के नाम तो सार्दिन साहब उस समय तो मर्डर करा रहे थे, आज बराबर मर्डर हो रहा है, आज कौन बोल रहा है दिखाना है। तो हम लोग आरजेडी से हिना साहब को ही सपोर्ट करेंगे और हिना साहब को जिताना है, लेकिन आरजेडी से हम रिक्वेस्ट करेंगे सब लोगों से जो टिकट है आरजेडी का ही। सार्दिन साहब जिस समय वहां थे उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था, जो आज उनके परिवार के नजदीकी उनके बात बतिया करके लोग हिंदू मुस्लिम कर करके आई सब कांड कर रहे हैं, कुछ इसमें के लोग हैं कुछ उसमें के लोग हैं, उसमें है वो लोग पहले भी थे और आज भी। सिवान लोकसभा पर सबकी निगाहें हैं नेताजी और तरह तरह के बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे इस तरह के जो बयान लोग दे रहे हैं? इस तरह के बयान से हम लोगों को कोई आरजेडी पर असर पड़ने वाला नहीं है जी, हम लोग एकदम डिग हैं, आरजेडी यहां से निकलेगा और खास करके हम लोग चाहते हैं कि यहां से हिना साहब ही कैंडिडेट हो जी। हाँ, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि हिना साहब को टिकट ना मिले किसी दूसरे को दिया जाए, उस स्थिति में क्या असर पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हिना साहब को यहाँ से टिकट नहीं दिया जाए, असर तो पड़ ही जाएगा, असर कुछ पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग जो बिचौलिया के कटिंग करना है बिचौलिया को दिखाना है तो हम लोग आरजेडी से हिना साहब को ही सपोर्ट करेंगे और हिना साहब को जिताना है, लेकिन आरजेडी से हम रिक्वेस्ट करेंगे सब लोगों से जो टिकट आरजेडी का हिना साहब को दिया जाए। इतनी सारी बातें हो गई लेकिन आज तक शहाबुद्दीन परिवार ने या शहाबुद्दीन साहब का जो फैमिली है वो कभी भी राजद के खिलाफ कोई बयान मीडिया में नहीं दिया है। आज तक नहीं दिया है, बीच में लोग फेसबुकिया लोग कुछ और बल बोलते हैं लेकिन वो लोग एकदम अस्थिर हैं, जिस तरह हम लोग का तो भरोसा नहीं था कि इतना अस्थिर लोग रहेंगे, लेकिन कुछ छुटपुटिया लोग उन लोगों के आगे पीछे कर करके और फेसबुकिया बात बतिया रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, इससे हम लोगों को काफ़ी दुख है और हम लोग चुप रहते हैं। तो नेताजी क्या कहेंगे आजकल जो बैठक अगर चल रहा है उसमें राजद के लिए आप लोग किस तरह का काम कर रहे हैं? हम लोग हमारा बूथ सबसे मजबूत यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं और होगा भी यही हमारा बूथ सबसे मजबूत जी। हाँ, तो आपको तो एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई है राजद संगठन में, क्या क्या आपको मिला हुआ है जिम्मेवारी? जी, इस तरह तक कार्य समिति के सदस्य हैं जिला में और बसंतपुर का पदाधिकारी बनाए गए हैं, लेकिन मुझे कोई पोस्ट से खास मतलब नहीं रहता है, मुझे संगठन से मतलब रहता है, जो संगठन मेरा मजबूत हो जी। तो अभी जो है सिवान लोकसभा की जब बात हो रही है तो शहाबुद्दीन साहब के बारे में क्या कहेंगे, चूंकि आप बहुत पुराने नेता हैं और उस परिवार से जुड़े रहे हैं? शहाबुद्दीन साहब जिस समय वहां थे उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था, जो आज उनके परिवार के नजदीकी बोल रहा है। शहाबुद्दीन साहब थे तो हॉस्पिटल में 40 रुपया फीस था और आज 500 700 300 1000 तक ले फीस है, 1000 मैंने 1100 लोग फीस लेते हैं और सार्दिन साहब का कमी तो आज भी खल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बहुत जीते हुए एमपी हैं, हारे हुए एमपी हैं, किसी का ध्यान उस पर नहीं है कि इतना फीस क्यों बढ़ रहा है। कल हम गए थे सिवान, कचड़ा कचड़ा यहीं से देख लीजिए गौर से, सिवान जिला का क्या हाल है रोड का, जो रोड तरवारा मोड़ से और वहां पर ध्यान आप लोग जा करके देख लीजिए, लेकिन हम लोगों का क्या बरखा जब कृषि सुखानी, जब हम लोगों का कोई पावर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों का पावर होगा तो आ करके दिखला देंगे कि क्या होना चाहिए, विकास किस तरह होना चाहिए। विकास हुआ है, बहुत विकास है, 6 महीना के अंदर जो सरकार बनी है इसमें 4 लाख युवाओं का नौकरी मिला है, लेकिन तो भी बदनाम करने वाले लोग तो बदनामे कर रहे हैं जो कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है, इसमें फीस बढ़ गया, यहाँ थोड़ा सा है अपना दिन से सरकार उन लोगों के जैसे भाजपा के साथ सरकार चल रहा था तो कोई नहीं बोल रहा था, आज वही सरकार आरजेडी के साथ अगर नीतीश जी आ गए हैं सरकार चल रहा है तो जंगल राज हो गया है, लेकिन हम लोगों के देखने से ही मंगल राज है, जंगल राज नहीं है। जितने लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है, मंगल राज है।
अच्छा, कुछ याद आपको आती है जब सिवान में कोई व्यक्ति जाता था शहाबुद्दीन साहब के पास, कोई अपना समस्या लेकर के, कोई अधिकारी कमजोर गरीब आदमी को नहीं सुनता था, तो उसमें किस तरह का वो मतलब जो है एक्शन लेते थे? अपने स्तर से शहाबुद्दीन साहब एक्शन ले करके उस काम को करा देते थे। एक बार का बात है कि हम लोग काम कराते थे ठेकेदारी का, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था या कालीकरण का बात था, वो इधर से उधर किया था, लेकिन वो कहे कि काम हमको कराना है, आप चेक काटिए, मार्च के पहले चेक काट देना है, रुपया आपस नहीं जाना चाहिए। तो एकदम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माफी मांग करके चेक काटे और काम भी हुआ। जी जी, अच्छा, कुछ लोग उनको कहते हैं कि दबंग आदमी थे, बाहुबली थे। उस समय तो बाहुबली थे, उन्हीं के नहर के किनारे प्रतापपुर गांव कांड कहीं होखा शहाबुद्दीन के नाव। तो शहाबुद्दीन साहब उस समय तो मर्डर करा रहे थे, आज बराबर मर्डर हो रहा है, आज कौन बोल रहा है, कौन करा रहा है? बिल्कुल, आज का मर्डर बतावे ना, वो लोग कहाँ हैं जो कह रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब कुछ होगा, शहाबुद्दीन साहब करा रहे थे। जी, यानी कि उनको बदनाम भी किया गया। बदनाम किया गया, बदनाम करके समाज में दूषित वातावरण समझा करके लोगों को उनसे बरगलाया गया। तो अभी जो घटनाएं हो रही हैं, अब तो शहाबुद्दीन साहब जिंदा नहीं है, तो क्या कहेंगे, कौन इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? वही जात पात के बात बतिया करके लोग हिंदू मुस्लिम कर करके ये सब कांड कर रहे हैं। कुछ इसमें के लोग हैं, कुछ उसमें के लोग हैं, उसमें हैं वो लोग पहले भी थे और आज भी वही लोग हैं। कभी राजद में चले जाते हैं, कभी भाजपा में चले जाते हैं, कभी चिराग पासवान पार्टी बनाए हैं उसमें चले जाते हैं। उनके साथ कितना मजा लिए हैं सब लोग, अब मजा ले करके उन्हीं से लड़ने के लिए तैयार है। अगर सारे लोग कहते हैं कि हमारा संपत्ति शहाबुद्दीन साहब के परिवार के हैं, तो सब पार्टी वाले लोग छोड़ दें और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के कोई MP बिना इलेक्शन का अनकंटेस्टेड MP बन जाए और दिल्ली जाए कि सिवान का नाम रोशन होगा। जी, अभी एक लोग चर्चा कर रहे हैं नेताजी कि जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें यादव और मुसलमान का संख्या बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अगर ऐसा लोग कर रहे हैं, जितने लोग बदनाम कर रहे हैं, तो उनका तो सेंट्रल में सरकार है, ये भाजपा वाले लोग कर रहे हैं, तो उनका सेंट्रल में सरकार है, वो अपने से जनगणना करा करके दिखा दे जे किसका अधिक है और किसका कम है, वो लोग खुद दिखला दें। जी, अच्छा, एक बार शहाबुद्दीन साहब आए थे जेल से बाहर, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उसको लेकर के बहुत बवाल हो गया था। गलती तो उसमें कहीं वो नहीं बोले थे, परिस्थितियों के मुखिया, जैसे आप जैसे मीडिया वाले ले पूछे कि वो कैसे मुखिया है, तो परिस्थिति उस तो हमें था, उसी परिस्थिति के अनुसार वो गलत नहीं बोले हैं, परिस्थिति के अनुसार वो मुख्यमंत्री बने। पार्टी में अधिक वोट था RJD का, उससे क्या, लेकिन परिस्थिति उस तरह का था, वो कौन गलत था बोले थे, लेकिन उसी को लोग बदनाम किए जे परिस्थितियों का मुखिया, सब तोड़ मरोड़ करके लोग बोलते हैं। जी, तो क्या अपील करेंगे, चूंकि चुनाव का समय करीब आ रहा है, राजद के सभी सिपाही लोग अपने काम में लग जाएं और मेहनत करें। हम लोग एकदम अपने RJD के सारे लोगों को एकदम रोज डायरेक्शन यही दिया जा रहा है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत और RJD सबसे आगे रहे और सिवान से हीना साहब को टिकट दिया जाए, कहीं भूल चूक भी हुआ हो उसको भुला करके, बिचौलिया बहुत और बार बोल रहा है उस पर नहीं ध्यान दे करके, और यहाँ से टिकट हीना साहब को एक बार दिया जाए और अब की पारी उनको संसद में भेजा जाए। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं दरोगा प्रसाद यादव उर्फ पहलवान जी, ब्रहोगा प्रसोतिम, चांद टोला। बहुत बहुत धन्यवाद।